एक फोटो सेल सेंसर वहाँ लगता है और दूसरा फोटो सेल सेंसर यहाँ पर लगता है। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बूम बैरियर पर फोटो सेल सेंसर की वायरिंग कैसे की जाती है। मनोज भाई, फोटो सेल सेंसर के बारे में बताओ आप कि वायर कैसे चूज करते हो। ये तो कैट 6 वायर है सर। ये कैट 6 है, चार कलर का वायर है ये। हाँ, चार कलर होते हैं इसमें, अपना कोई भी कलर चूज कर सकते हो आप। चार कलर दिखाओ यहाँ पे। ये ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है और ब्राउन है। हाँ, ये चार कलर है। इसमें हाँ, से आप अपना दो कलर कोई भी चूज कर सकते हो उसके कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो आपने इसमें ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज मैंने प्लस रखा है इसको। हाँ, ग्रीन को ग्राउंड में रखा है मैंने। ठीक, बार प्लस सेकंड नंबर पर होता है, ग्राउंड फर्स्ट नंबर पर होता है फोटो सेल में। अच्छा, तो ये अभी आप प्लस लगा रहे हो, ये ग्राउंड होगा। हाँ, ये अभी ऑरेंज लगाया हूँ मैं, प्लस लगाया हूँ। अच्छा, और अब ये ग्राउंड लगा रहे हो। ये ग्राउंड लगा। यहीं से एक वायर है जो उधर बूम बैरियर पर जाएगी और इस बूम बैरियर पर भी एक फोटो सेल सेंसर लगेगा और उसका कनेक्शन भी बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही होगा, ऑरेंज और ग्रीन के साथ। जो ये फोटो सेल सेंसर लगा है इसमें ग्रीन और ऑरेंज वायर यूज़ हुआ है और बाकी का जो वायर है वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो ये जो ग्रीन और ऑरेंज उधर आपने लगाया फोटो सेल सेंसर पे, यहाँ पर जो आप लगाएंगे वो किस लिए लगाएंगे? पावर के लिए लगाएंगे यहाँ पर भी। ये पावर के लिए ग्रीन और ऑरेंज लगाएंगे जी। और जो ब्लू और ग्रे टाइप का जो ये वायर दिख रहा है ये किसके लिए यूज़ होगा? वो सिग्नल के लिए होगा। किस चीज़ का सिग्नल? सिग्नल जैसे कोई व्हीकल या पर्सन कोई बैरियर के नीचे आएगा तो अपने आप अप हो जाएगा। अच्छा, मतलब हिट नहीं करेगा बैरियर, बैक ले लेगा, वापस चला जाएगा। वापस चला जाएगा। तो उधर जो आपने सिर्फ, उधर तो सिर्फ ये जो चीज़ थी ये सिर्फ दो थी, तो आपने येलो और ऑरेंज और ये ग्रीन लगाया था, पावर आ गया। तो इस साइड में जो लगेगा ये पहले पावर वाला लगेगा और उसके बाद सिग्नल वाला लगेगा। ये शुरू में आपने दो पावर वाले लगा दिए और अब ये सिग्नल वाले आप लगा रहे हैं। ये जो है ना, ये ब्लू जो है वायर, ये कॉमन में जाएगी। अच्छा, ये कॉमन होगा। ये आउटपुट हो गया, ये जो कत्थई कलर का है ये आउटपुट में चला जाएगा। ब्राउन कलर का आउटपुट में चला। हाँ, ब्राउन। अब ये लगने के लिए रेडी हो रहा है। ये आ गई वायर इसकी। एक सेंसर इधर लग रहा है, हमारे मनोज भाई इसको फिक्स कर रहे हैं और दूसरा सेंसर इस तरफ लगा हुआ है। अभी आप स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे बूम बैरियर में फोटो सेल सेंसर इंस्टॉल किया जाता है। तो इधर जो फोटो सेल सेंसर लगा, अब ये चारों वायर यहाँ पर भी हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ब्राउन। अब इनका कनेक्शन कहाँ कहाँ होगा ये भी बताता हूँ। तो अभी ये सारे वायर छिल गए और इनको जॉइंट किया जा रहा है एक साथ। दो पेयर को आप एक साथ जोड़ रहे हो मनोज भाई, क्यों जोड़ रहे हो? ये इसलिए जोड़ रहे हैं कि उधर फोटो सेल लगा हुआ जो रेस्टर पे, उसकी पावर चली जाएगी यहाँ पे। अच्छा, और एक तरफ ये दो पेयर है, एक तो रेस्टर वाली साइड का है, एक बैरियर वाली साइड का है। हाँ, ये दोनों पावर के हो गए। ये दोनों पावर के हो गए। जैसे उधर ऑरेंज और ग्रीन आपने लिया था, इधर भी ऑरेंज और ग्रीन आपने ले लिया और उस तरफ से जो ऑरेंज और ग्रीन आ रहा है और इस फोटो सेल से जो ऑरेंज और ग्रीन आ रहा है, इन दोनों को आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो। और कंट्रोलर में ये वो जगह है जहाँ पर ये सारे वायर जुटेंगे। निकालो मनोज भाई। फर्स्ट में हमने प्लस दे दिया, पावर का प्लस जाएगा फर्स्ट में। फाइव पॉइंट का कनेक्टर है, पांच पॉइंट होते हैं इसमें।
अच्छा, जिसमें पहले में जाता है, 5 पॉइंट के कनेक्टर है जिसमें पहले में पावर का जाता है, पहले और दूसरे में पावर का चला जाता है ना। पावर का पहले और सेकंड, फर्स्ट सेकंड में, क्योंकि ऑरेंज और ग्रीन जो है ये हमने पावर के लिए लिया है। ये ब्राउन वाला फोटो सिग्नल के लिए हो गया। तीसरे नंबर पे फोटो सिग्नल के लिए ब्राउन वाला लगाते हैं। और चौथा गैप करके पांचवे पे लगाते हैं। ये किसका है? कॉमन है ये। तो कॉमन वाली वायर जो जाती है वो पांचवे नंबर पे जाती है, चौथा नंबर जो होता है वो खाली रहता है। वो लूप के लिए होता है, लूप डिटेक्टर के लिए। अगर लूप डिटेक्टर लगा रहे हैं तो चौथे वाले में लूप डिटेक्टर का कनेक्शन होगा। तो ये टोटल 5 इसमें होल होते हैं, जिसमें पहला और दूसरा जो होगा ये पावर के लिए जाएगा, तीसरा वाला जो है ये किसके लिए जाएगा? ये सिग्नल के लिए। ये सिग्नल के लिए जाएगा। चौथा जो होता है ये वाला, ये लूप डिटेक्टर के लिए होता है। और पांचवा जो होता है ये किसके लिए होगा मनोज भाई? कॉमन होता है। तो ये टोटल 5 होते हैं और इस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है। और कंट्रोल कार्ड में इसकी जगह जो है यहाँ पर है। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे बूम बैरियर पर फोटो सेल सेंसर का कनेक्शन करते हैं इसका। और एक तो बूम बैरियर पे होता है और दूसरा बूम रेस्ट पर होता है। ये फोटो सेल सेंसर का काम क्या है और कैसे ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, अब इसको देखिए। अब देखिए फोटो सेल सेंसर का यूज़ क्या है। ये अगर कोई आ रहा है तो उस कंडीशन में ये हिट नहीं करता, ये वापस चला जाता है। बैरियर किसी को डैमेज नहीं करता, गाड़ी आदमी कुछ भी हो उसको वो हिट नहीं करेगा और वो चला जाएगा, वापस चला जाएगा। तो इस लिहाज से फोटो सेल सेंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बूम बैरियर के लिए। हालांकि लोग फोटो सेल सेंसर के सब्स्टिट्यूट के तौर पे लूप डिटेक्टर को भी लगाते हैं, लेकिन लूप डिटेक्टर में माइनस पॉइंट ये होता है कि लूप डिटेक्टर सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को पहचानता, लोहे को पहचानता है, वो इंसान को नहीं पहचानता। तो अगर आप लूप डिटेक्टर लगा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन लूप डिटेक्टर जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोहे को पहचानेगा। बेहतर ये है कि लूप डिटेक्टर अगर आप लगा रहे हैं तो उसके साथ फोटो सेल सेंसर भी लगाएं, क्योंकि फोटो सेल सेंसर सिर्फ लोहा को नहीं पकड़ता, फोटो सेल सेंसर इंसान आदमी जानवर कुत्ता कुछ भी हो उसके नीचे से कुछ भी गुजरेगा वो हिट नहीं करेगा, वो बैक हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप बूम बैरियर लगा रहे हैं तो फोटो सेल सेंसर तो ज़रूर लगाना चाहिए।